डेढ़ साल पहले गोल्ड की चेन चोरी हुई थी घर से। आपको सच दिखाऊंगा, आज मेरे ससुर जी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। डेढ़ साल पहले मेरी गोल्ड की चेन चोरी हुई थी, बहुत ज़्यादा तोला कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो गुम होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5-6 महीने हालत ख़राब हो गई थी। उनका दिल से धन्यवाद है, ज़िंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, कूलर सामने पड़ा हुआ और अब चैन का कनेक्शन मैच कर रहे हो गए, क्या है क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ पापा, दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे लिए किया ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकता मैं। कूलर के अंदर क्या मिला है, कैसे मिला है, अभी तक हमने हाथ नहीं मारा, लेकिन आपको दूर से दिखा देता हूँ। एक सेकंड फ्लैश ऑन कर दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों, डेढ़ साल पहले गोल्ड की चैन चोरी हुई थी घर से। तो दोस्तों, आज मेरे ससुर जी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। डेढ़ साल पहले मेरी गोल्ड की चैन चोरी हुई थी, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत महंगी थी, जिसकी कीमत आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। मतलब आपको छोटा मोटा हिंट दे देता हूँ कि बहुत ज़्यादा तोला कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो गुम होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5-6 महीने हालत ख़राब हो गई थी और एक तरीके से कह सकते हो कि टेंशन वाली बीमारी शुरू हो गई थी। ससुर जी ने खेल बड़ा कर दिया, चमत्कार कर दिया। इनका दिल से धन्यवाद है। ज़िंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, कूलर सामने पड़ा हुआ और अब चैन का कनेक्शन मैच कर रहे हो गए, क्या है क्या नहीं है। रात को 1:19 और आपको लग रहा होगा कि दोपहर का टाइम है। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये रात का समय है, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये प्रैंक हो रहा है। ये देखिए आप, 28 लाख की डेढ़ साल पहले गोल्ड की चैन घर से चोरी हुई थी। चमत्कार हो गया कूलर के साथ, ससुर जी ने कर दिया। रात के बज रहे हैं 1:20, टाइम दिखा दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी और अच्छी किस्मत है मेरी। मैं कह रहा हूँ पापा, दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे लिए किया ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकता मैं। अब ये जो कूलर खुला है, कूलर के अंदर क्या मिला है, कैसे मिला है, अभी तक हमने हाथ नहीं मारा, लेकिन आपको दूर से दिखा देता हूँ। एक सेकंड फ्लैश ऑन कर दूँ। और ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, पता नहीं क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोस्तों, 28 लाख रुपए की चीज़ कूलर के अंदर से मिली है, ये देख सकते हैं आप। एक बार ये कूलर बंद कर भाई, एक मिनट रुको। आप देख सकते हो चैन आपको दिख रही होगी, अब पिताजी निकालेंगे। पापा को एक मिनट उतार निकालने दो। दोस्तों, कूलर के अंदर से डेढ़ साल पहले चीज चोरी हुई हुई, या एक तरीके से कैसे तो नहीं मिली, हमें तो ऐसा लगा था घर से चोरी हो गई है, किसी ने उठा ली है। लेकिन अब डेढ़ साल बाद पिताजी ने क्या दिमाग लगाया, सारा बताऊंगा आपको मैं। निकाल दी है? हाँ जी, हमारा हो गया था पंप खराब अचानक से। हाँ बता, मैटर बता। पंप खराब हो गया था, हमने सोचा ये देखो जी, छोटी मोटी दिक्कत नहीं लगी। ये देखो जी, 30 लाख रुपए की गोल्ड की चैन कूलर के अंदर से पिताजी ने निकाल के दी है। इतना बड़ा चमत्कार करके दिया है, और मैं कह रहा हूँ कोई शब्द नहीं है। क्या हुआ था स्टोरी बता भाई छोटे भाई। मेरे को आपका फोन आया कि ऐसे प्रॉब्लम हुई है। हाँ, अंकल जी भी घर पे आए हुए। आपको पूरा प्रूफ दिखाता हूँ मैंने नीतीश से, कैसे कैसे क्या क्या बातें करी है। मेरा फोन दिखा भाई, नीतीश की चैट दिखाता हूँ जनता को मैं। मेरा चैट खोल एक बार, व्हाट्सएप खोल। नहीं, ये दिखा रहा, नीतीश दिखा रहा है, एक मिनट रुक जा, खोल इस फोटो को खोल। मैंने फोटो जनता को दिखा, मैंने कितने मित्र को फोटो भेजी है। टुडे 12:51 पे देखो आप, ये देखो टाइम हमारा, नीचे कर टाइम दिखाने दे, ये पीछे कर, 12:51 मैंने फोटो भेजी है कि छोटे ये इस पेचकस ला कर दे, ऐसे वाला ये छोटा पेचकस लेकर आया है। पेचकस दिखा भाई, ये पेचकस देखो, ये दो पेचकस लेकर आया छोटा। एक सेकंड में छोटे ने फर्ज निभाया दोस्ती का, बिना लेट करे हुए। नींद नहीं देखी, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। दोस्तों, पंप खराब हो गया था, पंप खराब के चलते ससुर जी घर पे आए हुए थे। इन्होंने चमत्कार कर दिया कि बेटा देख इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। पापा कुछ खुशी, आप कुछ तो अपनी खुशी फील करो आप। तो दोस्तों, चमत्कार हो गया, कूलर के अंदर से निकली है 30 लाख की गोल्ड की चैन। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ मैं, जो रात को इतना बड़ा चमत्कार मेरे को देखने को मिला। बहुत अच्छी मेरी किस्मत है, मैं कह रहा हूँ कोई शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। तेरे को कैसी खुशी मिल रही है छोटे, कैसा लग रहा है? एक तरीके से चमत्कार शिवम और तेरी। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा चमत्कार हुआ तो असली खेल जो है दोस्तों, तहलका भाई आपको शेयर करेगा असली खेल। दोस्तों, ये मेरा कूलर खराब हो गया था और
टेंशन हो गई थी अब कैसे सोएंगे, क्योंकि एसी तो लगा हुआ है यहाँ पर, एसी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, एसी हम यूज़ करता है, कूलर मैं यूज़ करता हूँ। तो आधे घंटे से इस पर मेहनत कर रहे थे हम, आधे घंटे से परेशान हो गए थे, कूलर नहीं चल रहा, क्या हो गया, कूलर में क्या दिक्कत आ गई है। फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना जनता के साथ प्रैंक किया जाए। मैंने डाल दी इसके अंदर गोल्ड की चैन जो कि नकली है। इन्होंने ही मेरा साथ दे दिया, इसने ही मेरा साथ दे दिया और इसने ही मेरा साथ दे दिया। तो दोस्तों आधे घंटे से एक्चुअली क्या है, कूलर ठीक कर रहे थे, मैंने कहा यार बोर हो गए हैं, क्यों ना जनता को हंसाया जाए। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर मारना, और अगर आपके साथ ऐसा चमत्कार हुआ है कि आपकी चीज एक साल बाद मिली है, डेढ़ साल बाद मिली है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप। कूलर का बच्चा, हाँ ये भाई कूलर का बच्चा पैदा हुआ था, वो भी चालू कर दिया, चार दिन पहले ये बच्चा पैदा हुआ था, देख लो दोस्तों ये खुशखबरी, ये देखो, ये देखो जी कूलर ने, फीमेल बच्चा है, ये फीमेल बच्चा पैदा हुआ है जी चार दिन पहले। चलो तो इस कूलर का बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं देना आप कमेंट बॉक्स में, और तहलका मचाते रहेंगे, आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दबा के शेयर मारना। बोर हो गए थे यार, आधा घंटा हो गया कूलर ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने कहा यार प्रैंक ही कर देते हैं, तो एक प्रैंक आपके ऊपर हो चुका तगड़े वाला। बेटा ऐसा कि तूने कूलर तो मुझसे खुलवा लिया, हाँ पंप खराब है, मैंने कहा खुलवा लिया, आपने बोला गर्मी लग रही है, अब बेटा तू रात को सोएगा कैसे ये सोच। चलो कूलर पापा कूलर में से तो चैन निकाल दिया हमने खुद रख कर, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो इकनूर बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या काका है। तो ठीक है दोस्तों सही है, मजा आया होगा आपको वीडियो देखकर। कुछ लोग तो भाई साहब घुस गए होंगे, ओ तेरी गोल्ड की चैन निकल गई, ओ तेरी, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई साहब पूरी वीडियो देखेंगे, भाई देखते रहा करो यार, आपकी आपकी खुशी के लिए ना सब कुछ करता रहता हूँ मेरे भाई, मैं मोटर ले सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये तहलका मचाएगा।